जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा लगता है चुनावी माहौल बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे देवी सिंह पटेल का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही अपने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें देवी सिंह का भी नाम था। बताते चले कि राजपुर विधानसभा सीट बड़वानी जिले में आती है। बीजेपी ने देवी सिंह पटेल को कांग्रेस के मौजूदा विधायक बाला बच्चन के सामने उतारा था। पटेल 11,000 वोटों से जीते थे। अगर साल 2013 की बात करें तो साल 2013 में उन्होंने बाला बच्चन को हराया था। बाला बच्चन को इस चुनाव में 82,167 वोट मिले थे, तो वहीं देवी सिंह पटेल को 70,971 वोट मिले थे। इसे साबित होता है कि देवी सिंह पटेल बीजेपी के एक नायाब नेता हैं। चुनाव से पहले देवी सिंह को दुनिया से अलविदा कहना वाकई बीजेपी के लिए तगड़े झटके के बराबर है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 231 सीट है और यहाँ पिछले 15 सालों से बीजेपी का ही राज है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।